अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हम स्कल के बारे में, स्कल के व्यूज़ के बारे में हम आपको बताएंगे पहले पार्ट में। इसमें हम जो नॉर्मली यूज़ होता है स्कल, एपी एंड लैटरल व्यू, जिसको हम आम जुबान में एपी एंड लैटरल कहते हैं, या फिर फ्रंटो ऑक्सिपिटल व्यू और साइड व्यू। तो आज हम पहले पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे और साथ इसकी पोजिशन, साथ इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग, प्रॉपर साइज ऑफ कैसेट हम बताएंगे आपको कि कौन सी कैसेट यूज़ करनी चाहिए या आईपी यूज़ करनी चाहिए। तो पहले पार्ट में हम आपको बेसिक व्यू जो है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन केस ऑफ ट्रामा, इन केस ऑफ फॉल में, हम लोग के पास पेशेंट आते हैं जो स्कल एपी लेटरल के लिए हम परफॉर्म करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, टुमारो में हम जो है ना जी, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे उसके पीएनएस के व्यूज़। फिर हम आपको बताएंगे उसके मस्टाइड बोन के, जो कि बिल्कुल इजी हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि स्कल में पेशेंट को मुख्तलिफ बुक्स में और हमारे जो पोजीशन चार्ट होते हैं उसमें पेशेंट को उल्टा लिटाया जाता है, तो बहुत से पेशेंट जो है ना वो गिल्टी फील करते हैं, और कुछ पेशेंट हाइपरथिनिस होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर उल्टे लेट नहीं पाते। तो सबसे बेस्ट जो वे है, जो इजी वे है, जो नॉर्मली हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, उसमें ये है कि पेशेंट को स्पाइन पोजिशन में लिटा के तो हम उसके एक्सरे परफॉर्म करते हैं। तो अराजी हेल्थ केयर गुलबर्ग में, अराजी हॉस्पिटल जो है, यहाँ पे बेस्ट इक्विपमेंट है। पेशेंट को इतना ही कम्फर्टेबल पोजिशन में लिटा के कम्फर्टेबल तरीके से एक्सरे परफॉर्म किए जाते हैं। बेस्ट इमेजिंग जो है ना प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे एक्सरे के साथ साथ एमआर, सीटी और बाकी भी रेडियोलॉजी सर्विसेज हैं। तो आज हम आपको स्कल एपी एंड लेटरल व्यू जो है ना, उसकी पोजिशन और उसके बारे में, उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग सारी बताएंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार भी। थैंक यू। हमारा जो पहला व्यू है, इसमें हम आपको एपी व्यू या फ्रंटो ऑक्सिपिटल व्यू जो है ना, इसके बारे में बताएंगे। इसमें पेशेंट इन स्पाइन पोजीशन, एपी या स्पाइन पोजीशन, पेशेंट सीधे बिल्कुल लिटाएंगे, और एग्जैक्ट साइज ऑफ कैसेट जो है इसमें हम यूज़ करते हैं वो है 10x12। ठीक है, 10x12 कैसेट हम यूज़ करेंगे। मार्कर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द कैसेट, क्योंकि मार्कर के बगैर आप कभी भी फाइनल मतलब पोजीशन का नहीं बता सकते कि इसको ट्रॉमा राइट साइड पे है कि लेफ्ट साइड पे है। तो मार्कर हर एक्सरे में बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट इन स्पाइन पोजीशन होगा, बक्की बक्की में हम कैसेट प्लेस करेंगे बिल्कुल सेंटर में। ठीक है जी, सेंटर प्लेस करने के बाद हम ट्यूब के साथ इसको जो है ना सेंटर करेंगे। बक्की और ट्यूब को सेंटर करने के बाद जो बक्की है उसको हम टेबल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। पेशेंट इन स्पाइन पोजीशन, जो हमारी पेशेंट का जो स्कल होगा वो बिल्कुल सीधा, और मैंडिबल जो है वो कॉन्टेक्ट विद द नेक होगा, यानी मैंडिबल नेक की तरफ, मैंडिबल को नेक के साथ लग जाएगा। इसकी जो ऑर्बिटल जो लाइन है, लेजर लाइन है, वो हमारी आएगी ऑर्बिटोमीटर लाइन पे। ठीक है, और जो जो मिड सेंटर लाइन है वो बिल्कुल ग्लेबैला पे आएगी। तो ये हमारा सेंटर है। इसमें जो FFD है वो हम यूज़ करेंगे 32 सेंटीमीटर, और बिल्कुल पेशेंट स्पाइन पोजिशन में होगा। तो ये हमारी स्कल AP की पोजिशन है। इसके बाद मैं आपको लेटरल की पोजीशन दिखाता हूँ जी। सेकंड जो इसका व्यू है, उसमें हम पेशेंट को सेमी प्रोन पोजीशन, लेटरल व्यू स्कल के लिए। सेमी प्रोन पोजीशन ये होता है कि आपने राइट या लेफ्ट आर्म जो है वो कॉन्टेक्ट विद द टेबल और बैक साइड ऑफ द बॉडी आएगा, यानी जो आर्म है वो बॉडी की बैक साइड पे आ जाएगा, और जो दूसरा आर्म है राइट या लेफ्ट आप सपोर्ट करवाएंगे बॉडी को, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहे। इसमें जो लेग है वो लेफ्ट या राइट, वो एक लेग इंटीरियरली आ जाएगी, दूसरी लेग जो है वो स्ट्रेट रहेगी। पेशेंट इतना ही कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए, और बिल्कुल उनका जो स्कल है वो लेटरल पोजीशन में आएगा। पेशेंट को आप कहेंगे कि आप अपना राइट या लेफ्ट जो भी है एयर है वो टच कर दें, कॉन्टेक्ट कर दें टेबल के साथ, तो आपकी जो पोजिशन है वो ये बनेगी स्कल लेटर में। इतना ही कम्फर्टेबल पोजिशन में है, और अराजी में जो हम टेबल यूज़ करते हैं, जो इक्विपमेंट है वो इतना ही फ्रेंडली इक्विपमेंट है। उसमें पेशेंट लिटाने के बाद हम पेशेंट को नहीं इधर उधर खींचते, इतना ही कम्फर्टेबल के टेबल को हम खुद से टॉप को कहीं पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जो लेटरल पोजिशन में जो हमारा सेंटर होगा वो 1 इंच
यानी 1 सेंटीमीटर एंटीरियर टू द एक्सटर्नोडेटीमीटर्स और 1 सेंटीमीटर सुपीरियर टू द एक्सटर्नोडेटीमीटर्स। तो ये हमारा जो भी है, ये 2 लेटरल ऑफ स्कल के लिए है। इसमें हम पिट्यूटरी फोसा के लिए जो स्कल लेटरल व्यू आता है, इसमें हम बेहतरीन पिट्यूटरी फोसा का रेडियोग्राफ दे सकते हैं। तो पेशेंट इन स्पाइन सेमी प्रॉन पोजिशन के हैंड उसका जो है ना बॉडी के साथ टच होगा और टेबल पे होगा, दूसरा जो हैंड है वो सपोर्ट करेगा बॉडी को और टांग उनकी जो है वो एक एंटीरियरली आएगी, फ्लैक्स हो जाएगी और दूसरी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी और स्कल ट्रूली लेटरली पोजिशन में होगा और जो सेंटर होगा हमारा ट्यूब का वो 1 इंच इंटीरियर टू द एक्सटर्नोडेटीमीटर्स एंड 1 इंच सुपीरियर टू द एक्सटर्नोडेटीमीटर्स इसमें, और जो FFT होगा हमारा 32 सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी, आज हमने आपको स्कल के 2 व्यूज़ पहली वीडियो में, स्कल के पहले पार्ट में हमने आपको पोजीशन करके दिखाए, पेशेंट पोजीशन और केस पोजीशन और जो है उसके सेंटर है ट्यूब का सेंटर वो हमने आपको दिखाया। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपको जो 4 पार्ट आने हैं उसमें हम आपको स्कल के स्पेशल व्यूज़ हम आपको पोजीशन करके दिखाएंगे, साथ उनकी जो है ना पेशेंट के पोजीशन के साथ केस पोजीशन भी बताएंगे। तो इसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने व्यूज़ लाजमी दीजिएगा ताकि हम आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकें। तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा और साथ कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार।